हाँ जी सत श्री अकाल जी सारे नूं। अज आपां स्पैशल व्लॉग पाउण जा रहे हां होम बेस पीटी ते। कमेंट आई सी कि सानूं फुल विस्तार च दसो होम बेस पीटी ते किदां फाइल लगदी आ ते किदां बैंड आउंदे आ, सब कुछ तुहानूं दसदे आ। ते बाबे ओ थोड़ा गल बैठा पिया, माफ करो, ठंड काफ़ी हो गई, दो दो हुड्डियां पाउणियां पै रहियां। अजे मंथ आ सितंबर मंथ चल रहा है, सितंबर का महीना चल रहा कि हमें इन्नी ठंड हो गई, गां ठंड जाके की बनूगा ये हजे कुछ नहीं पता। वैदर बहुत चेंज हो गया, बहुत सारे लोगों को होम बेस पीटी बारे नहीं पता, पर जिन्होंने पता कई गलत भी कह रहे बई यूनिवर्सिटी एक्सैप्ट नहीं कर दी, यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी एक्सैप्ट कर दी। तो मैं थोड़ी नॉलेज आज सीनियरस तो नहीं है, जो मेरी सीनियर यूनिवर्सिटी वो दसते कि ऑनलाइन ही असाइनमेंट एक्सैप्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम होंगे, सारा कुछ ऑनलाइन होंगे। तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं जेकर तुम ऑनलाइन होम बेस पीटी एग्जाम इंडिया के ही क्लीयर करते हो तो उन्होंने वो बारे नॉलेज हैगी तो सानू कोई इशू नहीं, तो वो अपन वधिया सॉरी एडमिशन दे देंगे यूनिवर्सिटी वाले, तो इन्हें कोई उन्होंने प्रॉब्लम नहीं। जेकर वो सोचते हैं भी इंडिया तो बच्चा ऑनलाइन टेस्ट क्लीयर करके आ रहा तो उस ऑनलाइन स्टडी भी कर सकता, सो उन्होंने कोई इशू नहीं गा होम बेस पीटी एग्जाम। सो एक टेस्ट हो रहा डलिंगू, जो डलिंगो एग्जाम वो एक सिर्फ एक घंटे का एग्जाम आ, उस भी चार मोड्यूल ही होंगे, वह तो बहुत ही बहुत होम बेस पीटी नालों भी ज़्यादा ईजी आ, वो तो हर एक ही क्लीयर कर सकता नो इशू। तो भी काफ़ी यूनिवर्सिटी एक्सैप्ट कर देंगे, यूनिवर्सिटी मैं दस दिना मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंडन के, दो चार यूनिवर्सिटी शायद होर आ, वो मैं एक्सप्लेन जरूर करता थानू। सो होम बेस पीटी जेकर एग्जाम आईलैट्स का एग्जाम नहीं क्लीयर होंगे या तुहाडे कोल बैंड स्कोर नहीं है जो विदाउट आइल्स भी थोड़ी फाइल नहीं लग रही, काफ़ी ज़्यादा गैप आ, तो तुम होम बेस पीटी का एग्जाम क्लीयर कर सकते हो। तो मैं यूनिवर्सिटी में जरूर दस दाँ कि होम बेस पीटी एक्सैप्ट कर दी, सो तुम होम बेस पीटी राही यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकते हो। जो कि होम बेस पीटी एग्जाम आ वह बंदा घर बहके भी क्लीयर कर सकता, पर जेकर घर बैके क्लीयर नहीं होंगे तो काफ़ी एजेंट है जिन्हों को आप फाइल अपनी लॉन्च कराने तो वह अपना टेस्ट भी क्लीयर करा देंगे। सो क्योंकि एजेंट थोड़े जे ज़्यादा पैसे मंगते होंगे, जिदा कि लास्ट मंथ मेरा फ्रेंड आया तो उन्हें 2 लाख रुपया दिता एग्जाम क्लीयर करवाने का, पर जेकर तुम पास हो एग्जाम क्लीयर कराने तो वही एग्जाम 70-80 हज़ार च बड़े आराम न क्लीयर हो जाता। सो जे तुम करवाना तो मैं यही एडवाइस दिना थानू कि एग्जाम तुम बाहरों क्लीयर करा के एजेंट को जाओ तो आपकी फाइल लगवाओ, एजेंट का बाबू 1.5 लाख रुपया 1,20,000 रुपया वाद लेंदा थोड़े तो तुम अपना उही पैकेज के इंक्लूड कर सकते हो, थोड़ा वही प्रॉफिट है 1.25-1.5 लाख का। हाँ जी डलिंगो वास्ते है मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी तो किंगस्टन यूनिवर्सिटी, जेकर आप गल करिए होम बेस पी टी की सब तो पहला लैस्टर यूनिवर्सिटी, एस्टन यूनिवर्सिटी, तो DM यूनिवर्सिटी, तो क्रिएटिव ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये पी टी होम बेस एक्सैप्ट कर दें यूनिवर्सिटियाँ। सो ये आप होम बेस पी टी एग्जाम तो घर बैठ के भी दे सकते हैं, जेकर थोड़े पी टी चो पहला बैंड स्कोर नहीं आए तो फिर भी थोड़े वास्ते ये बहुत ही ईजी आ, तुम होम बेस पीजी ईजीली क्लीयर कर सकते हो। थोनू मतलब पहला जो नॉर्मल ट्रायल लैन की लड़ नहीं गई, फस्ट टाइम चीज क्लीयर थोड़ा पता भी जिदा पी टी होंगे उदा सेम ही है सारा कुछ, बट इन्ना ही बस आप कंप्यूटर से घर बैठ के कर सकते हैं, सिर्फ ये इन्ना ही होंगे। सो जो भी बच्चा स्टूडेंट जो भी आ यूके की फाइल लाना चाहता तो मैं तो यही एडवाइस दिना कि जल्दी जल्दी अप्लाई करो, क्योंकि यूके दे विच भी काफ़ी रश पै रहा, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, सितंबर इंटेक दे विच बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट आया, सो कित आने वाले टाइम कि थोड़ा जहा कम टाइट ना कर दें। सो जो भी बच्चा इतने आना चाहता सो जल्दी जल्दी अगर फाइल लाउन तो यूके पहुँचो, ज़्यादा कमाई करो तो आपकी स्टडी कंप्लीट करो। बाबे ओ अज साडे भरा दा जन्मदिन आ ते असीं केक कुक लैण आए आ, नाले मैकटी तो लैने चिकन चुकन करदे आ पार्टी, ते भाई साडा पार्टी करन लग्गिया मैकडोनल्ड च, इत्थों समान समून लै के आने फिर कम ते खावांगे। हाँ जी साडे भरा दा जन्मदिन आ ते भाई पार्टी कर रहा, बाकी केक कुक असीं कटदे आ जाके जिथे काड़ा कम चल रहा, ते बाकी पार्टी भाई शाम नूं करूगा। ਇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਪੀ
ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਵੇ ਗੰਗੂਆ तेरे डे चंग चंगा।